यूपी के गाजियाबाद में स्कूली बच्चे ने पिता के अपमान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल सिहानी थाना क्षेत्र में रहने वाले रतन सिंह 3 महीने से बच्चों की फीस जमा नहीं कर सक रहे थे। आरोप है कि टीचर्स ने फीस के लिए घर आकर रतन सिंह से मारपीट की और उन्हें बेइज्जत तक किया। इसी से दुखी होकर 14 साल की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। रतन सिंह के जौलान रहने वाले बताए जा रहे रतन सिंह और गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ वो रह रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर पत्नी और 3 बेटियों के साथ किसी तरह से गुजर बसर वो करते थे। रतन सिंह की बेटी प्रियांशी धूपना स्थित GSP स्कूल में 8वीं उसने पास की थी और उसके पिता 3 महीने से फीस जमा नहीं कर पा रहे थे स्कूल में, और उसी बात को लेकर टीचर्स आ गए गाजियाबाद स्थित उनके घर और पिता का अपमान किया, उनके साथ मारपीट की और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई ये बच्ची और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आप तस्वीरें देखिए, बेहद दर्दनाक और बेहद शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जिसमें टीचर्स स्कूल की फीस जमा ना होने पर बच्ची के घर पहुंच गए और उसके माता पिता के साथ किस तरह का सुलूक किया। जब स्कूल से आ गया तो मैडम फिर 2 बजे आई तो उन्होंने घर पे आके बच्चों से बदतमीजी की, थोड़ा बोले फीस जमा कराओ नहीं तो मैं ये कर देंगे वो कर देंगे प्लान। बच्चों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं भी आ गया। मैंने मैडम एक काम करो आप घर पे आ जाओ, मैं घर ही पे हूँ, आपको जो बात करना मैं घर पे कर लेता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं, हम 2-3 महीने में आपको पैसे दे देंगे। मैडम घर पर आई तो 3-4-5 मैडम और आई, प्रिंसिपल भी आए, वो आती कन बस ना कुछ बोली ना कुछ बताया, तो बच्चे थे हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापड़ मार दी, बोले तेरा सामान लेके जाएंगे। फिर कहने लगी मैं भी पुलिस को फ़ोन करती हूँ 100 नंबर पे कि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा, तुझे तूने मुझे बिस्तर पर लेटाया। तो बच्ची हमारी बोली मैडम आप क्यों गलत बोल रही हो। इसके बाद 100 नंबर की पिकअप पहुँची, मुझको लेके चौकी चली आई। इसके बाद फिर बच्ची ने जो कुछ किया सब बच्ची के ऊपर। प्रियांशी उर्फ जस्मीन डॉटर ऑफ रतन सिंह तोमर, इनकी आज सुसाइड करने के कारण डेथ हुई है। कुल मिलाकर अभी तक बात ये सामने आ रही है कि कुछ DS पब्लिक स्कूल की ये छात्रा थी और पिछले 3 महीनों से अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर उनके स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स इनके ऊपर काफ़ी दबाव बना रहे थे। इसी दबाव के चलते ये प्रिंसिपल और टीचर इनके घर पहुंचे आज और इनके पिताजी को काफ़ी बेइज्जत किया। कुछ टीचर्स ने इनके पिताजी को मारपीट की तो ये लड़की काफ़ी इससे दुखी थी। इसके बाद उनके पिताजी पर लड़की के सामने इन्होंने बेहुदे आरोप लगाए, जिसके चलते लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फांसी लगा ली, जिसके तहत उसकी डेथ हो गई।